अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 34, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है फाहद खान का, हाई कैन वी कन्वर्ट सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस इनटू कनेडियन लाइसेंस सेम लाइक यू डिड फॉर योरसेल्फ। देखिए, मेरे पास जर्मनी का ड्राइविंग लाइसेंस था, मैंने उसको एक्सचेंज किया था। ये साइट पे लिस्ट देख रहे हैं इन कंट्रीज का, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको कोई G1, G2 या G का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना इन कंट्रीज में से आपके पास लाइसेंस है तो उस लाइसेंस को आप सरेंडर करेंगे और आपको कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में सऊदी अरब का नाम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सऊदी अरब से दो साल से पुराना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आए और साथ एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आए, तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर आप लाइसेंस ले सकते हैं। यूजर का क्वेश्चन है, हाय, मैंने 3 मई को अप्लाई किया है, कितने टाइम में आ सकता है, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रखा है, वो सही है? देखें, आपका प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है कि आपने किस कंट्री से अप्लाई किया, तो आपने कंट्री का तो नाम इधर बताया नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 3 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है, वो बिल्कुल सही नहीं है। देखें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जब लिखा हुआ है कि 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको ये बेसिक चीज ही नहीं पता कि बैंक स्टेटमेंट कितने महीने की चाहिए, तो आपने वीजा अप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल गलत है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, 4 महीने की चाहिए। सोलो बॉय का क्वेश्चन है, ब्रो, मेरी कंपनी सेट वी विल नॉट प्रोवाइड NOC टू ट्रेवल एनी कंट्री, व्हाट शुड आई डू? व्हाट्सएप नंबर में सेव किया आपका। देखें, अगर आप सऊदी अरब से बात कर रहे हैं तो अगर आपको कंपनी NOC नहीं दे रही तो उसका ये कोई मैंडेटरी नहीं है, NOC इज नॉट मैंडेटरी। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोफाइल किस तरह लॉन्च करते हैं। आपका कनाडा में पर्पस ऑफ ट्रैवल ऐसा होना चाहिए कि वीजा ऑफिसर जो है वो हैरान परेशान हो जाएगा, यार इस बंदे का कनाडा में आना बहुत जरूरी है। अब आप जो रेगुलर कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के पास जाएंगे तो वो तो नॉर्मल जो उनके पास कवर लेटर है जो सबको दे रहे होते हैं, एक ही कवर लेटर होता है, सिर्फ हाशिम का नाम चेंज करके रशीद मजीद का लिख देते हैं, आगे पासपोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं, बाकी कवर लेटर वही चला रहे होते हैं, तो वो आपका रिजेक्शन आएगी क्योंकि आपका कवर लेटर में ऐसा वो यूनिक पर्पस नहीं होगा जिसकी बेस पे आपका वीजा लग सके। तो NOC की बेस पे आपकी रिजेक्शन नहीं आएगी क्योंकि आपका एक NOC भी नहीं है और दूसरा आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल भी वेल डिफाइंड और यूनिक नहीं है। उसके लिए आपको या तो खुद सोचना पड़ेगा कि कनाडा में ऐसे कौन से इवेंट्स, कौन से सेमिनार्स या कौन सी इधर एक्टिविटीज हो रही हैं जो लिंक करती हैं मेरे कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ या प्रोफेशन के साथ। अगर आप खुद सोच सकते हैं तो अपना वो पर्पस ऑफ ट्रैवल चूज करें, कवर लेटर खुद बनाएं, तो फिर NOC की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर NOC भी नहीं लगाना और रेगुलर एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के पास जाना है तो वो तो नॉर्मल सा कवर लेटर लगवा के आपकी जो है ना रिजेक्शन करवा देंगे। बाकी मेरे से कवर लेटर लगवाना है, मैं कनाडा में बैठा हुआ, मुझे पता आपका प्रोफेशन, रिलीजन और कल्चर से कौन से ऐसे इधर इवेंट्स, सेमिनार्स या कौन से ऐसे फेस्टिवल्स हो रहे हैं जो आपके इन 3 चीजों के साथ आप लिंक करते हैं, तो पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है ना उस पर डिपेंड करेगा अगर NOC आपके पास नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें आप ज़हन में रखें। बाकी अगर आप सऊदी अरब से बात कर रहे हैं तो NOC नहीं है तो दोस्त कुछ बता रहे थे वहां पे चैंबर ऑफ कॉमर्स में जाएं और उधर से आप सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर उनकी स्टैंप लगवाएं, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन मेन अहम चीज पर्पस ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कियानी का, भाई मैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से अप्लाई करूंगा, मेरे रिलेटिव मुझे इन्विटेशन भेज रहे हैं, अगर मेरा वीजा लग गया तो मैं एहलामे ये ले सकता हूं या फर्स्ट टाइम मुझे वापस आना जरूरी है, काइंडली गाइड कर कीजिएगा प्लीज। देखें, वापस तो आपने, मैं तो रूल रेगुलेशंस की बात करूंगा, जो ट्रैवल प्लान आपने 7 दिन का दिया, 10 दिन का दिया, 15 दिन, जितने दिन का भी दिया, उसके साथ आपने चलना है, आपने वापस जाना है। अगर आप ज्यादा महीने रहते हैं तो वो भी लोग इधर रह रहे हैं, उसके लिए एक वो डिफरेंट एक सिनारियो है, आप रहने को तो रह सकते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा रूल्स रेगुलेशंस की। दूसरी बात, आपने देखें ये जो आपका मैसेज में आपने अपनी सोच बताई है ना, ये बहुत सारे लोगों की ऐसी सोच है कि जब इन्विटेशन लेटर आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल का सोचना शुरू कर देते हैं, वीजा लग गया है, LMIA मिल सकता ही नहीं। जब आपके पास LMIA आ जाता है ना इन्विटेशन लेटर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा लग जाएगा। मेरे साथ जर्मनी में 5 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है,
तीन लोगों के पास इनविटेशन था, दो लोगों के पास होटल बुकिंग, एक मैं था एक और दोस्त था। होटल बुकिंग वाले दो का लग गया, इनविटेशन लेटर वाले का नहीं लगा, क्योंकि जिनके पास इनविटेशन लेटर आ गया उन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क करना छोड़ दिया। जी हमें इनविटेशन लेटर आ गया, अभी बैंक स्टेटमेंट के साथ जो मर्जी करो। उन्होंने कहा जी इनविटेशन लेटर का मतलब ये है कि, तो इनविटेशन लेटर जब आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क, यानी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर किस तरह वर्कआउट करना है, वो एक अलहदा एक टॉपिक है। मेरी एक चैनल, इस चैनल पे बैंक नेचुरल बैंक स्टेटमेंट का पड़ी हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो ये आप जो सोच रहे हैं ना कि इनविटेशन लेटर आ गया, तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलडा में ये मिल सकता है। देखें अगर आप इधर विजिटर वीजे पे आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको एलएमआई ये भी मिल जाएगा, ठीक है। एलएमआई ये किस तरह मिलेगा वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आप किस तरह जॉब सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस कंट्री से, आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से आ रहे हैं, आपका नेक्स्ट मंथ आपका इधर ट्रैवल प्लान है, आपने इधर आना है। फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब्स किस प्रोविंस में ज्यादा है। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, किस प्रोविंस में मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब ज्यादा है, पीछे से वर्कआउट करके आए, उन कंपनीज की लिस्ट बना के लेके आए, कैनेडियन फॉर्मेट की सीवी बना के लेके आए, आने से पहले आपकी सीवी रेडी हो, आते ही सारी कंपनीज उस प्रोविंस में टारगेट करें, ठीक है। अगर आप ये सारा वर्कआउट पीछे से करके आए, ठीक है, अब जॉब सर्च कैसे करनी है, इधर आगे अगर आपको पहुंच गए, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं, ये नीचे आपको ईमेल आईडी पड़ा होगा। तो डिपेंड करता है अल्लाह में ये फ्री, देखें लोग इधर जिनके पास ये चीजें नहीं है, लोग इधर अब देखें फ्री अल्लाह में ये लेना या तो स्किल्स लेके आए, अगर ये स्किल्स नहीं है आप ना ही पीछे से कोई लिस्टें बना के लेके आए, तो इधर आके फिर मेरी तरह ट्रक का लाइसेंस भी लें, ठीक है। ट्रक का लाइसेंस मिल जाएगा तो फिर आप, कई तो ऐसे भी हैं ट्रक का लाइसेंस लेके भी पैसे दे रहे होते हैं, 30-40 हजार डॉलर लोग ऐसे अल्लाह में ये कंपनीज बेच रही हैं, ठीक है। तो उनके हथे आपने नहीं चढ़ना, मेरे से रब्ता करें, मैं कोशिश, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि लोगों को एलएम ये फ्री मिले, किसी को एक रुपया ना दे, ठीक है। स्किल्स नहीं डेवलप हुई तो डेवलप कर सकते हैं विजा वीजा पे आकर भी, ठीक है। मजीद इस पे मैं इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, लेकिन ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको इधर ही जो है ना इस क्वेश्चन को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो आई एम अप्लाइंग फॉर कैनेडा फ्रॉम यूके ऑन स्टूडेंट बेस, इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड 6 मंथ पे स्लिप, 3 से कम नहीं चलना। देखें आप अप्लाई कर रहे हैं यूके से, स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट ना तो 3 महीने की चाहिए, ना 6 महीने की, 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जब 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो फिर 4 महीने की ही ये जो पे स्लिप है आपने लगानी है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिट वीजा पर वहां ट्रक ड्राइविंग की क्लासेस ले सकते हैं, आपके सामने मैं मौजूद हूं, मैंने सिर्फ क्लासेस नहीं ली, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको मिल सकता, मिल नहीं सकता, मिल जाता है, सिर्फ आपने ओंटारियो स्टेट में आना है। ओंटारियो स्टेट में आप पहले गाड़ी का लाइसेंस लें, फिर ट्रक का लाइसेंस लें, फिर जॉब की, वो एक अलग टॉपिक है जॉब वाला भी। तो ओंटारियो में आके आप ट्रक की क्लासेस नहीं, सिर्फ ट्रक का लाइसेंस भी ले सकते। मिर्जा सरमत का क्वेश्चन है, आई एम विजिटिंग टोरंटो इन द कमिंग मंथ अक्टूबर 2023 एंड नीड योर एडवाइस दैट व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई शुड ब्रिंग टू अप्लाई फॉर माय ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव ड्रिवन इन द गल्फ फॉर द लास्ट 20 इयर्स, कैन आई अप्लाई व्हाइल आई विल बी ऑन अ विजिट वीजा। आप बिल्कुल आए, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, ओंटारियो प्रोविंस में आए, आप लाइसेंस ले सकते हैं, गाड़ी का भी ले सकते हैं, ट्रक का भी ले सकते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, गाड़ी परचेज भी कर सकते हैं, एलएमआई ये भी फ्री ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ये जो लोग कहते हैं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं इधर जिंदा जागती मिसाल हूं, सब कुछ होता है, गाड़ी भी आप ले सकते हैं, अपने नाम पे परचेज कर सकते हैं गाड़ी, ठीक है, लाइसेंस ट्रक का, गाड़ी का, बैंक में ऊपर क्रेडिट कार्ड, हर चीज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर आए, अगर किसी चीज किस्म की आप पहले इधर पहुंचे, अगर किस विजिट वीजे पे इधर आए, फिर आके मेरे से पूछे, मैं आपको साफ सब कुछ गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आपने लेके क्या आना है, आप कह रहे हैं 20 साल ने आपने गाड़ी चलाई है, आपने तो आपने क्या करना है, 2 साल का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस, 2 साल से पुराना ड्राइविंग लाइसेंस वो आपने लेके आना है। अब्स्ट्रैक्ट लेटर आप लेके आए, अब्स्ट्रैक्ट लेटर ये होता है कि आप उसमें लिखा होता है कि इस बंदे ने कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं किया, तो वो आपका शो करता है कि इसका नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड है, वो लेके आए, 15 से 20 दिन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि आपने फाइनल टेस्ट देना होता है, फेल भी हो जाओ फिर कहते हैं फिर दे दो,
फिर वो पता नहीं 50 से 100 डॉलर के दरमियान प्राइस फीस है उसकी, फेल हो जाओ फिर दो, फिर फेल हो जाओ फिर दो, तो फिर बंदे का वो मैक्सिमम 15-20 दिन के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, विजिटर वीजा पे LMI कैसे अप्लाई कर सकते हैं? LMI अप्लाई नहीं करना होता, ये कंपनी के मालिक ने या कंपनी वालों ने आपको देना होता है, ये अप्लाई नहीं करना होता। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि कंपनी वाला आपको फ्री LMI दे। आप कनाडा में क्या काम करते हैं और फ्री LMI कैसे आपको मिला? क्योंकि इस वक्त जितना जितने लोग भी पाकिस्तान से कनाडा आ रहे हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम LMI है। यार आप पहले विजिट वीजे पे इधर आ जाओ। अब जो फ्री LMI कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता रहूंगा। बार बार कह रहा हूं पीछे से लिस्टें बना के ले आओ, अपनी फील्ड से रिलेटेड सारा वर्कआउट करके आओ, कनाडा फॉर्मेट की CV लेके आओ, कंपनीज की लिस्ट हो, इधर आओ मेरे, अगर फिर भी कोई मेरी हेल्प चाहिए मैं आपको बताऊंगा। $30,000-35,000 नहीं देने किसी का, इधर नहीं देने, लूटने के लिए सब लोग इधर तैयार बैठे हुए हैं। सब लोगों ने इधर, बहुत सारे लोगों ने, 99% लोगों ने चाकू छुड़ियां तेज की हुई हैं। उनको पता पाकिस्तान से विजिटर वीजे भी लग रहे हैं और इधर लोग पहुंच रहे हैं बगैर उन्होंने कुछ, क्योंकि पीछे से लोग आ तो जाते हैं, लोगों को पता जी कनाडा पहुंचना, पहुंच गए तो सब कुछ हो जाएगा। इधर भी आते हैं फिर उनको लगता है कि यार इधर LMI नहीं मिल रहा, फिर वो इधर उधर देखते हैं, तो फिर ऐसे जो बैठे हुए हैं कसाई वो इनको लूटते हैं, फिर $30,000-40,000 दे के LMI लेते हैं। बिल्कुल नहीं देना, फ्री LMI मिल सकता है स्किल्स सर्चिंग या इधर आके लाइसेंस ले, बहुत कुछ और भी बहुत सारी ऑप्शन है जो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता, लेकिन ये है आप इधर पहुंचो, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी हो सकेगी मैं हेल्प करूंगा। मैं कोई चार्जेस नहीं है मेरे, मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूंगा जिससे आप आपके मैक्सिमम पैसे लग भी गए, मुझे नहीं आपने देने, मैं लग भी गए $4,000-5,000, लेकिन $30,000-40,000 बिल्कुल नहीं देना आपने किसी को, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चंस। मजीद किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर जवाब दूं। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी आपको यूट्यूब चैनल से नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल नहीं ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रियल इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस। बंदा इधर बैठा हुआ है, आगे ये भी टूरिस्ट वीजा चल रहा है, आगे आगे बहुत कुछ होना है, एम्प्लॉयमेंट वीजा, पेरेंट्स वीजा जो है, ग्रैंड पेरेंट्स वीजा, सारे वीजे, स्पाउस वीजे, एम्प्लॉयमेंट वीजा, एल्फ्री LMI, ये हर चीज इस चैनल पे आपको मैं फ्यूचर में बताता रहूंगा। चैनल को सपोर्ट करें और किसी किस्म सब कुछ, कनाडा टूरिस्ट वीजा घर बैठ के अप्लाई करें इस चैनल पे, इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, कनाडा टूरिस्ट वीजे वाला सेक्शन बच्चों की तरह अंडर मैट्रिक बंदा भी जो है ना ऊपर से देख के अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं यार हमारा सर दर्द करता है तो आप अप्लाई कर दो, मेरे से हेल्प लेनी है तो ये नीचे जो है ना ईमेल ID मेरा पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो मेरे से रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। रात के 3 बजे यार, 3 बजे मैं आपको, ये हमारा छोटा सा मसला जिस घर में रह रहा हूं, एक और अहम बात आप सुन लें, ब्रैम्पटन में आए, ब्रैम्पटन के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है जो आपने लाइसेंस वगैरह लेना, सबसे ज्यादा स्कूल्स ब्रैम्पटन में है, ओंटारियो प्रोविंस का ब्रैम्पटन वाला एरिया, मिसिसागा ब्रैम्पटन, इसको टारगेट करें, यहां पे आए। ये मैं ऐसे घर है यहां पे कि मसल्ला है जहां पे आप 5 टाइम नमाज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी ने जब जो भी इधर आए, किसी ने सस्ती अकोमोडेशन लेनी है, आपका टिफिन लगेगा सस्ते घर से, आपको घर का बना हुआ खाना भी आपको मिलेगा, ठीक है। बात लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो मैं करना नहीं चाह रहा, नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा, ये इधर आके सस्ता खाना कहां से मिलेगा, अकोमोडेशन सस्ती कहां से मिलेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, रोटी पानी खाना रहना सब कुछ सस्ता, LMI फ्री, सब कुछ यहां से मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।